हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में देखेंगे, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जो हमारे बीएड में, एमएड में, या जो आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं जैसे सीटेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट वगैरह, इन सब में जो आते हैं, तो इन टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके इन वेरियस एग्ज़ाम्स में आते हैं। मेरा नाम आदित्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका 22 मई को। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट में, और ये 2018 में यू टेट में भी पूछा गया था आपसे। फिर नेक्स्ट है इसमें, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। फिर नेक्स्ट है, विश्व मरुस्थली रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है आपका? 17 जून को। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 11 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट है वन महोत्सव दिवस और सप्ताह कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो आपका वन महोत्सव दिवस है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम सप्ताह की बात करें तो ये 1 से लेके 7 जुलाई तक जो सप्ताह होता है उसमें ये मनाया जाता है आपका। फिर नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये कब मनाया जाता है आपका? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपका विश्व टाइगर दिवस, ये कब मनाया जाता है आपका? 29 जुलाई को। फिर नेक्स्ट है आपका जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो ये कब बना था आपका? 1974 में। फिर नेक्स्ट है आपका केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपका कब हुई थी? 1974 में। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी आपकी? 1981 में। तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने से पहले मेरा सभी फ्रेंड से अब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर्स करें और लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 1973 में। नेक्स्ट आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये कब बनाया गया था आपका? 1986 में। नेक्स्ट आपका भारत में नई वन नीति कब बनाई गई थी? तो ये कब बनाई गई थी आपकी? 1988 में। फिर नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? तो ये कब बनी थी आपकी? 1952 में। फिर नेक्स्ट है सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? देखिए, कौन सा राज्य इसमें सबसे कम वन है? तो वो है हमारा हरियाणा। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है आपका? अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो काफ़ी क्षेत्रफल है वो किससे घिरा हुआ है आपका? वन से। तो सबसे ज़्यादा अगर भारत में किसी राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो वन है वो किस में है? मध्य प्रदेश में। फिर अगर देखा जाए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कौन सा है हमारा? लक्षद्वीप। फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देखिए, इसमें अभियांत्रिकी आ रहा है इसलिए मैंने हेडलाइन इसको किया हुआ है, तो इससे आपको याद रखना है ये कहाँ पर है आपका? नागपुर में। तो अगर आता है आपसे कहीं से पूछने में कि, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में अभी देखिए इसके बाद कुछ 3 4 क्वेश्चन आप देखेंगे तो बच्चे इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो गलत लिख देते हैं, तो इसलिए मैंने ये बच्चों को जो दिमाग में रहे तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया है? अभियांत्रिकी को इसको हेडलाइन कर लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है तो आपको बताना है ये नागपुर में। फिर नेक्स्ट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये कहाँ है आपका? देहरादून में। तो इसमें देखिए फॉरेस्ट के ऊपर जो रिसर्च करते हैं वो कहाँ पर है आपका? देहरादून। तो ये आपको याद रखना है, अभियांत्रिकी आए तो आपको क्या बताना है? नागपुर, और अगर फॉरेस्ट रिसर्च आए तो आपको क्या बताना है? देहरादून। फिर नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? तो ये देखिए अगर फॉरेस्ट मैनेजमेंट आ रहा है तो आपको क्या बताना है? भोपाल। फिर नेक्स्ट है भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए अगर आप पारिस्थितिक विज्ञान देखें तो ये कहाँ पर स्थित है आपका? बेंगलुरु में, या बेंगलुरु बोल देते हैं इसको।
फिर नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है, तो पर्यावरण के ऊपर जो हम अध्ययन करते हैं ये कहाँ है आपका, अहमदाबाद में। तो आ से अहमदाबाद और आ से अध्ययन, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है वन महोत्सव के जनक किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, के एम मुंशी को। फिर नेक्स्ट है आपका ओजोन लेयर में विशाल छिद्र कहाँ पाया गया है, तो ये कहाँ पाया गया है आपका, एंटार्क्टिका में। फिर नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का, हेमिस, जो कि भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे बड़ा है। फिर नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड जिले में पड़ता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, साइबेरियन साइरस भारत में किस पक्षी विहार में आते हैं, तो किस में आते हैं, घाना पक्षी विहार। तो इसमें ये साइबेरियन क्या है, ये साइबेरिया यानी कि रशिया की तरफ से उड़ते हुए आते हैं, चीन को पार करते हुए भारत में आते हैं। तो ये कहाँ पर आकर ठहरते हैं, तो ये घाना पक्षी विहार में आकर ठहरते हैं। 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन के तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया, तो देखो ये आपको याद रखना है, चिपको की तरह ये एपको या अपिको है, ये आपका कर्नाटक के लोगों ने स्टार्ट किया था वनों को बचाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कई बार ये कंपटीशन में आ चुका है, तो ये आप इसको याद रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव है या कुछ आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।